आज हम डुअल स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, एंड आर एन की जो डुअल स्पेस है वो हमारे पास क्या है, आर एन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूव पर जाएंगे। सो लेट्स डन। स्टेटमेंट प्रूव दैट द डुअल स्पेस, द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, राइट। डुअल स्पेस ऑफ आर एन, आर एन की जो डुअल स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है, आर एन है। डुअल स्पेस को इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिफाइन कर चुके हैं, द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शन को हम किसका नाम देते हैं, डुअल स्पेस का नाम देते हैं, जिसे हम कंजुगेट स्पेस का भी नाम देते हैं या फिर एडजॉइंट स्पेस का भी नाम देते हैं, और इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफाइन कर चुके हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें प्रूव करना है कि डुअल स्पेस, प्रूव दैट द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन। अब इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ, प्रूफ में स्टूडेंट हम लेट आर एन स्टारी, आर एन स्टारी इज इक्वल टू एम बी आर डुअल डुअल स्पेस ऑफ आर एन, राइट। हमने लेट कर लिया कि आर एन स्टारी जिसको हम नाम दे दिए इक्वल टू एम है, ये हमारे पास क्या एक डुअल स्पेस है किसकी, आर एन की। वी शो शो दैट एम इज आसो मेट्रिक, आसो मेट्रिक टू आर एन, राइट। इसके अंदर हम शो करेंगे कि हमारे पास एम है, एम हमने क्या लिया हुआ है, आर एन स्टार है, ये आइसोमेट्रिक है किसके, आर एन के, राइट। अब यहां पर आइसोमेट्रिक मींस इसके अंदर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे और इसके साथ हम क्या डिफाइन करेंगे, नॉर्म्स को डिफाइन करेंगे, राइट। करते हैं डिफाइन, डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एम से आर एन एज फॉलो, उसका जेट एफ बिलोंग टू एम एंड ई वन ई टू डॉट डॉट ई एन बी द बेसिस, बेसिस ऑफ आर एन, राइट। सो दैट ईच एक्स बिलोंग टू आर एन इज ऑफ फॉर्म, फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई, उसके साथ ई आई आ जाएगा, राइट। इट मीन्स दैट कि अगर हम एक्स में से, यानी जो हमने स्पेस लिया आर एन, इसमें से कोई भी हम एलिमेंट लें तो उसको हम लिख सकते हैं इन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जो हमारे पास ये हमने बेसिस लिया इसके हम लीनियर कॉम्बिनेशन की में लिख सकते हैं इन यूनिक वे में, राइट। तो यहाँ देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई टू एफ ऑफ ई आई, राइट। यानी हम दोनों तरफ एफ को क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए यहाँ पर। दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई सी आई, राइट। वेयर हमारे पास सी आई जो है वो इक्वल है किसके, एफ ऑफ ई आई के, राइट। इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं, वन का, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक सी एफ इज इक्वल टू सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन बिलोंग टू आर एन, पुट फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू सी एफ आ जाएगा, राइट। टू शो, वी शो दैट फाई इज रिक्वायर्ड आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, राइट।
हमने फाई को क्या प्रूव करना है, पहले आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, राइट, जो हमें चाहिए, क्योंकि हम इसके दरमियान में क्या डिफाइन करना चाहते हैं, आइसोमेट्रिक डिफाइन करना चाहते हैं। तो आइसोमेट्रिक के लिए हमें पहले उसका आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए और फिर हम इसके दरमियान में क्या डिफाइन करेंगे, नॉर्म डिफाइन करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास क्या है, इसको पहले हम बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। फाई इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए हमें इसे 1-1 और ऑन रूट प्रूव करना है। तो फॉर हम 1-1 के लिए, फॉर 1-1 1 डैश बिलोंग टू एम, एफ ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई। इसी तरह हमारे पास एफ डैश ई आई इज इक्वल टू सी आई, एफ और एफ डैश, इसमें एम में से ले लिए। और इसके बाद इसके ऊपर हम जब एफ अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू सी आई, और ये भी हमारे पास क्या है, सी डैश आ जाए, यानी एफ ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई और एफ डैश ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई। phi of f is equal to phi of f dash, right? This implies that ci, और ये हमारे पास क्या है, ci dash के, this implies that f of ei is equal to f dash of ei, like that f of ei minus f dash of ei is equal to zero, right? यहाँ से next हमारे पास क्या आएगा, this implies that f minus f dash into ei is equal to 0, imply that f minus f dash is equal to 0, and this implies that f is equal to f dash, right? So phi is 1-1, right? तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर हम phi को क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, phi को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, phi हमारे पास क्या है, 1-1 है। 1-1 इट मीन्स दैट इसके हम इमजिस सेम लेकर चलेंगे और हम प्रूव करेंगे इसके एलिमेंट जो है वो भी क्या रहे, सेम आ रहे हैं। यहाँ इमजिल ली और ये हमने मैप डिफाइन की, ये किसके इक्वल है, सी आई के, और ये हमारे पास क्या है, एफ आई की इक्वल आ रही है, राइट। और ये हमारे पास को दूसरी तरफ लेकर माइनस हो जाएगा और यहाँ से एफ को ई को हम कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब ये हमारे पास क्या बेसिस हैं, और बेसिस जो है हमारे पास जीरो नहीं हो सकती, हमारे पास क्या स्टैंडर्ड बेसिस हमने आर एन के लिए लिए हैं तो ये जीरो नहीं हो सकती, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको हम जीरो ले लेते हैं। जब जीरो लेंगे तो ये हमारे पास दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास एफ इज इक्वल एफ डैश आ जाएगा। सो यहाँ से हम कहेंगे कि फाइव जो है हमारे पास 1-1 है फॉर ऑन टू के लिए बी इज इक्वल टू b1 b2 .. bn बिलोंग टू rn फॉर एनी x बिलोंग टू rn, x जो है वो हमारे पास क्या है, समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n x i e i define a map g फ्रॉम rn से r by x इज समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n x e i आ जाएगा, वेयर g इज linear and bounded because rn is finite dimensional, right? rn जो है वो हमारे पास क्या है, finite dimensional है, इस वजह से हमारे पास g क्या है, linear भी है और उसके साथ bounded भी। अब इसके बाद next हमारे पास क्या है, so हम कहेंगे g belong to m, देन हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट फाई ऑफ जी इज इक्वल, ये बिलोंग करेगा किससे, आर एन से, सो फाई इज ऑन टू, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था दैट फाई इज बाइजेक्टिव, फाई क्या है हमारे पास बाइजेक्टिव है, ये ऑन टू भी है तो यहां से हम कह सकते हैं फाई हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाई इज लीनियर, राइट। फाई को हमने प्रूव करना कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। लेट एफ कॉमा एफ डैश बिलोंग टू एम एंड अल्फा कॉमा अल्फा डैश बिलोंग टू आर, देन वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो
that phi of alpha f plus alpha dash f dash is equal to alpha phi of f plus alpha dash phi of f dash, right? तो ये हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या है, लीनियर है, तो लीनियर के लिए हम ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई करवाएंगे, राइट? अल्फा एफ प्लस अल्फा डैश एफ डैश इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सी, इधर हमारे पास क्या है अल्फा एफ प्लस अल्फा डैश एफ डैश, राइट? यानी जो हमने शुरू में मैप डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे सी अल्फा एफ प्लस अल्फा डैश एफ डैश इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इक्वल है सी वन डबल डैश सी टू डबल डैश टू सो ऑन सी एन डबल डैश विद सी आई डबल डैश इज इक्वल अल्फा एफ प्लस अल्फा डैश एफ ई आई, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा एफ ऑफ ई वन ई आई प्लस अल्फा डैश एफ डैश ऑफ ई आई, राइट? यानी ये हमारे पास क्या आ गया सी आई डबल डैश, सी आई जो है वो इक्वल है किसके, एफ ई आई के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट सी आई डबल डैश इज इक्वल टू अल्फा सी आई प्लस अल्फा डैश सी आई डैश, राइट? देयरफॉर एफ प्लस अल्फा डैश एफ प्लस अल्फा डैश सी एफ डैश, राइट? अल्फा फाई ऑफ एफ प्लस अल्फा डैश फाई एफ डैश आ जाएगा, राइट? हेंस हमारे पास फाई ऑफ एफ फाई अल्फा एफ प्लस अल्फा डैश एफ डैश इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास अल्फा फाई ऑफ एफ प्लस अल्फा डैश फाई ऑफ एफ डैश, राइट? सो फाई इज लीनियर, राइट? क्या हमने प्रूव कर दिया कि फाई जो है हमारे पास क्या लीनियर है, ठीक है? फाई इज नॉन प्रिजर्विंग राइट, इसको हम फाई को फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एन एफ का जो नॉर्म है इज इक्वल रहते हैं सुप्रीमम मोड ऑफ एक्स को मोड ओवर नॉर्म एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स क्या है हमारे पास नॉट, मोड एफ ऑफ एक्स मोड ओवर एक्स एफ ई आई और ई टू एफ ऑफ ई आई, हमने यहाँ पर क्या किया है एक्स इज इक्वल टू ई आई नॉर्म सी एफ, इसके नॉर्म दिस इंप्लाई दैट नॉर्म एफ ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म सी एफ, दिस इक्वेशन नंबर इज वन। सो ऑल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एन, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई, ये क्या ई आई आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई एफ ऑफ ई आई आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई, और ये हमारे पास क्या है सी आई, ये हमने डिफाइन किया था कि ये हमारे पास किसके इक्वल है सी आई के इक्वल है, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है मोड ले लेते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स इज समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन, इधर हमारे पास क्या है एक्स आई सी आई, सो क्या आएगा मोड, तो ये हमारे पास क्या लेस देन समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन एक्स आई मोड स्क्वायर अंडर रूट, इधर हमारे पास क्या है इसी तरह ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन मोड सी आई, इसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा, राइट? क्या है मोड एफ ऑफ एक्स, राइट? एंड दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इसका मोड जो है ये लेस देन है नॉर्म एक्स सी एफ,
राइट। दिस इंप्लाइज दैट एफ का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू किसके, नॉर्म ऑफ सी एफ, इसके क्या नॉर्म लेस देन है, एंड दिस इक्वेशन नंबर इज टू। सो बाय इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हम कह सकते हैं कि हमारे पास एफ का जो नॉर्म है वो इक्वल है किसके, नॉर्म ऑफ सी एफ के, और इसका जो नॉर्म है वो इक्वल है हमारे पास नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एफ, राइट, इसके नॉर्म के इक्वल है। सो फाई इज नॉर्म प्रिजर्विंग एस्टैब्लिश इस एस्टैब्लिश्ड आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन एम, एम किसके इक्वल लिया था हमने, आर एन स्टार एंड आर एन, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट द ड्यूअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, राइट। यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन। डुअल स्पेस जो आर एन है उसकी जो डुअल स्पेस होती है वो आर एन ही होती है। इसके अंदर स्टूडेंट हमने किया क्या, इसके अंदर स्टूडेंट हमने एक आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की है, राइट। यानी कि इसके अंदर हमने बाइजेक्टिव मैप के साथ हमने इसको लीनियर और नॉर्म प्रिजर्विंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी इसके अंदर हमने सेटिस्फाई करवाई है कि जो फाइव जो है वो हमारे पास नॉर्म प्रिजर्विंग भी है और फाइव जो है हमारे पास क्या है, लीनियर भी है। स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद एक नोट है, नोट हमारे पास क्या है कि आर डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज रिफ्लेक्सिव, द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। कि डुअल स्पेस जो आर एन की वो रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि हमने इसका डुअल फाइंड किया है, ये आर एन ही है, इसका दोबारा सेकंड डुअल स्पेस भी अगर हम फाइंड करेंगे तो आर एन के इक्वल ही आएगा। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, और आर एन जो है हमारे पास क्या एक रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसका हमने डुअल का फर्स्ट डुअल फाइंड करते हैं आर एन आता है, सेकंड डुअल फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगा आर एन आएगा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे देयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।